आपको भी इस चटनी को देख के लग रहा होगा ना कि ये चटनी जो है हमने इमली से तैयार करी है, बट ऐसा नहीं है। मीठी वाली चटनी वो अक्सर हम इमली से तैयार करते हैं, बट आज जो हम बनाएंगे इसको बिना इमली के बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीताज किचन मैजिक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज बिना इमली के मीठी वाली चटनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चटनी को बनाने के लिए एक बोल ले लेंगे। हम बोल में ट्रांसफर करेंगे, इमली की जगह पर हम लेंगे इसमें आमचूर पाउडर। ये मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब और आमचूर पाउडर। मेरे आमचूर पाउडर में जो है ना थोड़ी थोड़ी सी गांठें पड़ गई है। अक्सर जो है आमचूर पाउडर में जो है इस तरह की गांठें पड़ जाती है, बट इससे हमारी चटनी का फ्लेवर चेंज नहीं होगा, आप इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी एड कर देंगे। पानी में अच्छे से हम इस तरह से चलाते हुए जो है आमचूर पाउडर को मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में जो गांठे हैं उसको भी जो हम इस तरह से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि एक भी गांठ इसके अंदर रहे नहीं। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, और ज्यादा हमारे को इसमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो है इस चटनी में हम यूज करने वाले हैं भुना हुआ जीरा। मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है ना इस चटनी में का जो फ्लेवर जो बढ़ाता है हमारा, वो हमारा ये जो जीरा होता है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस तवे पर जो है अपना जो नॉर्मल जीरा होता है 2 टेबलस्पून के करीब लिया है और उसको भून लिया है। बस उसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया, और जैसे इसका कलर हमारा चेंज हुआ मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब क्योंकि ये मेरा जीरा भुना हुआ है तो इसको जो है मैं, मेरे पास एक खरल है लकड़ी का, मैं इसमें इसको दरदरा कूट लूंगी। हम इसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में भी जो है दरदरा कूट सकते हैं, बट क्योंकि ये थोड़े अमाउंट में है ये जीरा तो हमें जो है इसमें कूट सकते हैं हम खरल में, और इससे बहुत ही जल्दी कूट जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए मैंने इस तरह से इसको अच्छे से कूट लिया, और मुझे ऐसा ही चाहिए, थोड़ा दरदरा दरदरा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस से मैंने एक पैन रख दिया है, मतलब गहरा बर्तन आप रखिएगा चटनी बनाने के लिए, और इसे मैंने 1 ग्लास के करीब जो है पानी ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी में हल्का हल्का उबाल आया है इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ये जो आमचूर पाउडर का जो पेस्ट था वो। इसको ऐड करने के बाद में जो है इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पानी के साथ। अब जैसे ही इस पानी में हमारे उबाल आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक, और 1/2 टीस्पून के करीब लेंगे हम सफेद वाला नमक। इसको भी जो है नमक को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ ही जो हमारी चटनी का कलर बहुत ही अच्छा है इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे पूरा 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, या आप देगी मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बस एक अच्छे कलर के लिए। इसमें किसी तरह का इसमें फ्लेवर नहीं आता मिर्च का, बस इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम थोड़ा सा उबलने देंगे, मीन्स एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा एक उबाल आएगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कटोरी के करीब, मीन्स या 1 कप भी आप यूज कर सकते हैं, गुड़। ये जो मैंने गुड़ लिया है इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, जिससे ये जो है ना हमारे इजीली जो है पानी में मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास में गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह पे शक्कर भी यूज कर सकते हैं। शक्कर भी नहीं है तो आप जो है 1 कटोरी या 1 कप जो है नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं, जो हम अपने घरों में ये होती ही है सबके घरों में। तो अगर गुड़ है तो गुड़ ही यूज कीजिएगा, इससे भी जो है ना हमारी चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब एक अच्छा सा उबाल आ गया, देखिए इसमें अच्छे से झाग उठने लग गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दरदरा कूट के ये जो हमने जीरा रखा था वो, हम 2 टीस्पून के करीब जो है इसमें जीरा पाउडर अपना ऐड कर देंगे, और इसको जो है हम स्लो टू मीडियम गैस पे आप अच्छे से इस चटनी को उबलने देंगे। जब तक उबलने देंगे कि हमारी जो चटनी अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 से 7 मिनट में जो है हमारी चटनी जो है काफी गाढ़ी हो गई है, मीन्स जब मैंने इसको पकने के लिए रखा था पैन में तो इसका जो हमारा पानी का लेवल था तब कितना था, और अब जो इसका लेवल है घट के हमारा नीचे आ गया है। इट मीन्स हमारी जो ये चटनी है आमचूर की वो हमारी पहले से पक गई है, और वो देखिए उठान मैं आपको अगर चम्मच से दिखा भी रही हूँ तो काफी थिक भी हो गई है। बस इसी लेवल तक हमें इसको पकाना है, ज्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि रख के भी जो है ना अक्सर चटनी गाढ़ी हो जाती है। अगर आप इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे या आप इसको फ्रिज में रखेंगे कल यूज करने के लिए, तो अभी हमारी थोड़ी और ज्यादा थिक होती चली जाएगी। तो अब ये इसको हम ठंडा करके जो है एक बोल में निकाल लेते हैं चटनी को। अब इस तरह से जो है हमने अपनी आमचूर की चटनी जो है अपने बोल में ट्रांसफर कर ली है। मैं आपको इस तरह से चम्मच से उठा के चेक कराती हूँ कि हमने इसको का जो टेक्सचर है किस तरह का है। देखिए मींस अभी देखिए जब हमारी पैन में थी तब थोड़ी हमारे को ज्यादा पतली लग रही थी, बट अभी जब हमने बोल में ट्रांसफर करी तो थोड़ी सी हमारी देखिए थिक हो गई है। अभी जितना हम इसको रखेंगे ना और उतनी थिक होती चली जाएगी धीरे धीरे, और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है। कोई देख के इसको बता ही नहीं सकता है कि ये आपने बिना इमली की बनाई है मीठी वाली चटनी। आप इस चटनी को जो है अलग अलग तरह की चाटों में यूज कर सकते हैं, किसी तरह की चाट बनाते हैं, इसे आप भेलपूरी की चाट बना रहे हैं,
या आप स्वीट कॉर्न की चाट बना रहे हैं, या दही बड़े में भी जो है आप इसको इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, घरों में इमलियां मिलती नहीं है और हमें एकदम से मन करता है कुछ चाट बनाने का, और हमारे पास में आमचूर जो है उसका ऑल्टरनेट है, वो आमचूर हर घर में होता है। तो इस तरह से आप इसको क्विकली और इजीली बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस चटनी को किसी भी चाट के साथ में। और कैसी लगी आपको ये बिना इमली की मीठी वाली चटनी की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।